नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में श्रीमान प्लम्बर। मैं हूँ बुद्धसेन सागर। तो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक और शानदार वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टूटे हुए पाइप को बिना निकाले कैसे जोड़ें। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो पाइप टूटा हुआ है ये निकालने की सुविधा है नहीं इसमें, तो हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि भविष्य में अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा उसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। वीडियो में देख सकते हैं आप, जो ये मैंने पाइप काट रखा है, मैंने ये पाइप पहले से ही मशीन से काट के रख रखा था। तो आपको जैसी सुविधा लगे, एक्सर ब्लेड या मशीन के थ्रू जैसी व्यवस्था हो उसके थ्रू काट सकते हैं आप। और नीचे वाला पाइप भी मैंने पहले ही साफ कर दिया था। सफाई का खास ध्यान देना है दोस्तों, गीला नहीं होना चाहिए पाइप और मिट्टी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, नहीं तो क्या है सोलूशन उसमें पकड़ेगा नहीं। सोलूशन अच्छे तरीके से लगा लेंगे। आजकल पीवीसी सोलूशन या यूपीवीसी सोलूशन जो भी है, कैन के साथ ब्रश की अच्छी सुविधा दे रखी है, तो ईजिली सोलूशन लग जाता है और लगाने में भी आसानी होती है। सोलूशन बढ़िया करके लगा लेना है दोस्तों। ऐसी समस्या अक्सर आती रहती है कि हम बीच में से पाइप नहीं छुड़ा सकते हैं। इसके भी कई तरह ऑप्शन है, लेकिन मेरे को ये बेटर लगा। दोनों तरफ से लॉक था तो मैंने सोचा ऐसे ही करके इसको रिपेयर किया जाए। बाकी प्लम्बर भाई सब समझदार हैं, जिसको जैसी सुविधा हो उस तरह रिपेयर कर सकता है, नहीं तो आप ये आइडिया भी अपना सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा पाइप लगभग रिपेयर हो चुका है, पाइप रिपेयर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये तरीका भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हो।